नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक इंजेक्शन। जी नहीं दोस्तों, इंजेक्शन नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप आपके पीएच मीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं कैलिब्रेशन कैप्सूल्स से। जी हाँ दोस्तों, ये मर्क कंपनी के कैलिब्रेशन कैप्सूल्स हैं। तो आप सबको पता है कि जो बफर सॉल्यूशन है वो जनरली पाउचेस में आता है और वो बहुत महंगा पड़ता है। यानी कि इतना सा 10 ml का जो पाउच है वो हमें कुछ तो भी 200-300 रुपए का पड़ता है, जो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आता है। तो आज हम लोग इन मर्क की जो कैप्सूल्स है इससे हम लोग जो है हमारे मीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरे पास में 3 कंटेनर है जिसके अंदर 10-10 कैप्सूल्स है। तो एक कैप्सूल जो आपको 100 ml आराम से बना के देती है बफर सॉल्यूशन, ये जो है ये 4 pH की है, ये जो है ये 9.2 pH की है, और ये जो है ये 7 pH की है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 7 pH पे कैलिब्रेट करेंगे हमारे मीटर को। तो उसके लिए हम लोग आज बनाने वाले हैं 7 pH का सॉल्यूशन। तो ये मर्क कंपनी जो है ये सबसे बढ़िया कंपनी है जो हर प्रकार के टेस्टिंग सॉल्यूशंस एंड ऑल कैलिब्रेशन सॉल्यूशन सब बनाती है। तो आज हमने खोला है इसे और इसको खोल के देखते हैं कि किस प्रकार की कैप्सूल होती है। तो जी हाँ, ये देखिए इतनी बड़ी कैप्सूल है। तो ये एक कैप्सूल आपको 10 ml सॉल्यूशन बना के दे सकती है। तो कैसे बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए डिस्टिल्ड वाटर। तो इन्होंने कहा है कि आपको डिस्टिल्ड वाटर जो है वो गर्म करके लेना है ताकि उसमें से जो CO2 है वो निकल जाए, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं इतना। इतना हमें हम लोग ऐसे ही इसको कर लेंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। और ये 10 ml का सॉल्यूशन है, इसको हम लोग पहले, मैंने क्या किया, पहले कैप्सूल को लेके इसके अंदर का जो सामान है इसमें डाल देना था। तो ये हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और ये लेंगे हम लोग 10 ml का डिस्टिल्ड वाटर, इसमें हम लोग डालेंगे 10 ml। इतना थोड़ा होता है 10 ml, इतना सा ही पानी होता है 10 ml। हे भगवान, इतना तो मैं गिरा देता हूँ टेस्टिंग करते वक्त बफर सॉल्यूशन को, ये इतना सा पानी है, ओ माय गॉड। तो इसको थोड़ा सा स्टीयर करना पड़ेगा, स्टीयरिंग करते वक्त ध्यान रखना है हमें कि वो पूरा जो है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। एक्चुअली क्या, ऐसे बॉटल के अंदर डालना चाहिए था किसी, ताकि हम लोग उसे अच्छे से शेक कर सकते थे। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही शेक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको बना लेते हैं। तो जब तक कि ये मिक्स हो रहा है दोस्तों, आपको इसे बनाना है, इंस्टेंटली यूज़ करना है, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन कंपनी बोलती है कि आप इसको हर टाइम जो है आपका कैलिब्रेशन सॉल्यूशन नया बनाइए, मतलब एक बार यूज़ करके आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज जो pH है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होगी हमेशा, तो आप एक बार इसे इस्तेमाल करके आप इसे फेंक सकते हैं। थोड़ा सा गिर गया मेरे से, चलिए ये पूरी तरह से स्टेयर करके ख़त्म हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। मुझे पूरा लेबोरेटरी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैं कोई लेबोरेटरी में कोई केमिकल। अच्छा, ये पूरा क्लियर हो गया, मतलब ये बन चुका है। तो ये बन गया हमारा 7 pH का सॉल्यूशन। और ध्यान रखिए, ये बाकी के कैप्सूल्स को ड्राई रखना है, संभाल के रखना है। आपके pH मीटर को लीजिए, उसको जो ढक्कन है वो खोल दीजिए, ऑन करके देख लीजिए। तो ये TDS वाला हो गया और ये pH वाला हो गया, तो मैंने उल्टा खोल दिया था, तो ये pH वाला खोल दिया। ओके, और जैसे ही आप इसमें सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आपको बताएगा कितना pH है। तो ये जो है बता रहा है 7.5 pH। तो ये 0.5 pH से जो है वो थोड़ा कैलिब्रेशन इसका बिगड़ चुका है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलिब्रेट करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.5 दिखा रहा है, तो हमें इसे 7 पे कैलिब्रेट करना है। तो आपको कैलिब्रेट का बटन दबा के रखना है थोड़े टाइम तक। जब आप कैलिब्रेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे लिख के आता है
कैल करके देखिए, तो इसको हमें सेट करना है। क्या कैलिब्रेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते, देखिए जैसे मैंने 7 पे सेट कर दिया, और देखिए अभी मैंने इसको 7 पे सेट कर दिया और वो ब्लिंक कर रहा है, तो ये कैलिब्रेट हो गया। इसको आप ओके दबा दीजिए और यहाँ पे एंटर करके बटन है, हर जगह पे होता है एंटर का बटन, एंटर दबा दीजिए तो ये कैलिब्रेशन चालू हो जाएगी। CAL करके वो लिखते जा रहा है, तो इसका मतलब ये कैलिब्रेट कर रहा है अभी। तो ये हो गया 7 PH पे कैलिब्रेट। और ये कैलिब्रेट हो गया 7 PH पे। अगर आपको हायर pH का, जैसे कोई हायर pH का मेजर करना होगा, तो आपको क्या करना है, फिर जो 9.2 PH का है या 11 PH का भी आता है, उसका सोल्यूशन बनाना है। अगर आपको लोअर साइड का बनाना है, अगर आपको लोअर साइड का मेजर करना है, यानी कि 2 PH 3 PH, तो आपको 4 PH का जो है सोल्यूशन बनाना है, उसके ऊपर कैलिब्रेट करना है। आप इसको हर एक लेवल के इसके ऊपर कैलिब्रेट कर सकते हैं। जनरली इसको कैलिब्रेशन को होता है 3 पॉइंट कैलिब्रेशन सिस्टम, तो यानी कि आपको तीनों pH लेवल्स पे, अलग अलग pH लेवल पे इसको कैलिब्रेट करके रखेंगे, तो ये परफेक्टली काम करता है। जब आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसे निकाल के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से कैलिब्रेट हो चुका है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में और विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, हालांकि जो कंपनी ने कहा है इसे स्टोर मत कीजिए, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, तो आप एक टाइम पे ऐसे कर लीजिए, आपके 2-3 मीटर्स अगर होंगे दोस्तों के या किसी के भी, तो एक ही टाइम पे आप ले लीजिए और कैलिब्रेट कर लीजिए सारे के सारे मीटर्स, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। मेरे पास में 2 मीटर है तो मैं दूसरा लेके आता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, किसी किसी के पास में इस प्रकार के मीटर होते हैं जिसमें कैलिब्रेशन का कोई बटन नहीं होता है, तो दोस्तों जनरली इनको या तो आप कैलिब्रेट नहीं कर सकते या फिर कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे एक्वासल का ये मीटर है, तो इसके अंदर आप देखिए इस प्रकार यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर होता है, देखिए थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, और यहाँ पे दो, आपको दो स्क्रूज दिखेंगे, एक के ऊपर लिखा हुआ है 0 और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है स्पैन। तो आप इसको खोल लीजिए और इसमें जो सोल्यूशन है, जो स्टोरेज सोल्यूशन है, इसको साइड में रख दीजिए और पहले एक सिंपल पानी में इसको वॉश कर लीजिए, ताकि आपके जो pH वाटर है उसका pH चेंज ना हो। और इसको ऑन करके आपको pH सॉल्यूशन में डिप करना है। तो जैसे आप डिप करेंगे तो आप देखिए ये 6.9 दिखा रहा है, तो आपको 0 जो है उसको एडजस्ट करना है थोड़ा सा। देखिए जैसे हम लोग इसको 0 को एडजस्ट करेंगे तो ये 7 हो जाना चाहिए, देखिए 7 हो गया। जहां पे ये 7 टर्न हो जाए वहां पे उसको छोड़ दीजिए और इसको दोबारा स्क्रू ड्राइवर को अंदर रख दीजिए और इसको पैक कर दीजिए, और ये कैलिब्रेट हो चुका है। तो आप जैसे दूसरे पानी में आप इसको डालेंगे तो ये आपको बता देगा इसका क्या pH लेवल, जैसे ये बता रहा है 7.2 है, 7.3 है, तो ये कैलिब्रेट हो चुका है। तो इतना सिंपल होता है इस टाइप के मीटर को कैलिब्रेट करना। और इसको वापस से हम स्टोरेज सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों उसमें स्टोरेज सॉल्यूशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वापस स्टोरेज सॉल्यूशन में रख के कैप लगा दीजिए, तो ये प्रॉपरली कैलिब्रेट हो चुका है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, आपके कोई भी सवाल्स होंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डालिएगा। ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन को ठोक दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और मेरे सारे वीडियोस देखते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।